चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप लोगों को आवाज आ रही है और स्क्रीन नजर आ रही है। तो जी सर। ठीक है, चलिए। हमने कल ये टॉपिक पढ़ा था विद सम एग्जांपल, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं कि जी अर्न वैल्यू होती क्या है। कि अर्न वैल्यू ये होती है कि व्हेन यू हैव अ प्लान फॉर योर प्रोजेक्ट, जिसमें आपने टाइम एस्टिमेट किया हुआ होता है और कॉस्ट एस्टिमेट की भी होती है। यू हैव अ प्लान, ठीक है। वो प्लान आप अपने सामने रखते हैं और फिर पीरियोडिकली, चाहे वो हफ्ते बाद या 10 दिन बाद, आप उसकी प्रोग्रेस देख रहे होते हैं। ये ऐसी जैसे आप एक घर बना रहे हैं, जो घर बनाने में 6 महीने लगेंगे, तो आप 6 महीने इंतजार नहीं करते, आप हर हफ्ते जाके देख लेते हैं, ठीक है, कि कितना हो गया कितना नहीं हो गया। एंड दैट इज समथिंग फिजिकल, तो वो स्टेटस रिपोर्ट ले रहे होते हैं आप, कितना हुआ क्या नहीं हुआ, ये क्यों ज़्यादा आ गया ये क्यों कम आ गया। तो सिमिलरली एक प्रोजेक्ट प्लान है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है, जिसमें विजिबिलिटी थोड़ी सी लो होती है। देर आर सर्टेन एलिमेंट जिनसे आप विजिबिलिटी लाते हैं, डॉक्यूमेंट के थ्रू, प्रोग्रेस के थ्रू, ठीक है, तो फिर विजिबिलिटी आ जाती है। तो विजिबिलिटी के थ्रू फिर आप चेक करते हैं कि यू आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान और नॉट, ठीक है ना। तो अगर नहीं जा रहे हैं तो फिर यू नीड टू टेक करेक्टिव एक्शंस। तो अर्न वैल्यू क्या है? अर्न वैल्यू दो चीज़ें बताती है हमें कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसमें कहाँ खड़े हुए हैं से आपको फर्क पता चल जाएगा, वेरिएंस इन कॉस्ट एंड वेरिएंस इन शेड्यूल, ठीक है ना। तो जिन्होंने, आई डोंट नो, आप लोग एक कोर्स में, कोई मैथ्स के कोर्स में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स पढ़ा है? अर्न वैल्यू, सॉरी, मीन, मीडियन, मोड, या आई जी डोंट सर, नो, थोड़ा पढ़ा है? थोड़ा। थोड़ा सा पढ़ा है सर, पूछ नहीं लीजिएगा, पूछ नहीं रहा हूँ। बस मीन अगर, या वेरिएंस अगर आपने पढ़ा या मीन पढ़ा है, तो वेरिएंस अगर जीरो है तो इसका मतलब है यू आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान, ठीक है ना। वेरिएंस जीरो है ना, यानी आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। और वेरिएंस अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, यानी आपका जो अल्टीमेट है वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर आपका वेरिएंस नेगेटिव है किसी भी चीज़ पे, समझा रहा हूँ, जो मीन मीडियन मोड होता है ना, उसमें मीन और वेरिएंस, वेरिएंस अगर नेगेटिव है तो डिफरेंस ले लेते हैं ना आप एक्चुअल वर्सेस प्लान। तो अगर नेगेटिव है तो दैट इज़ अ हाई कंसर्न, अगर वो थोड़ी वैल्यू है तो कम कंसर्न है, अगर बहुत हाई डिफरेंस है, जैसे अगर कल हमारी एग्जाम्पल थी उसमें 2000 का, यानी बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा था, तो दैट वॉज अ रियली बैड सिचुएशन, ठीक है। तो वो ठीक है। तो इसी तरह से आप रेशियो ले लें किसी भी चीज़ का, तो अगर रेशियो 1 है, यानी ऊपर भी वही चीज़ है नीचे भी वही चीज़ है, तो रेशियो 1 आ जाएगा। लेकिन अगर नीचे बड़ी चीज़ है डिनोमिनेटर, तो ऊपर वाली चीज़ छोटी है, तो आपका रेशियो जो है वो डेसिमल में आएगा, ठीक है। तो हम एक्चुअली अभी हमने डिफरेंस देखा था, वेरियंस देखा था, अब हम जरा आगे देखेंगे कि आगे चल जाओ भाई, ठीक है। ठीक है, हमने ये वैल्यू पढ़ी थी प्लान, हमारे जो प्लान के अंदर होता है एज ऑफ टुडे, यानी अगर जैसे मैंने कल बताया था कि हमारा 6 महीने का प्लान है, बट एज ऑफ टुडे अगर 3 महीने में खड़ा हूँ, 2 महीने में खड़ा हूँ, तो व्हाट शुड बी द प्रोग्रेस, यानी इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जानी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ ये हो जाना चाहिए, ठीक है। तो दैट वाज आवर प्लान, चाहे वो कॉस्ट हो चाहे टाइम हो चाहे, ठीक है। तो अर्न में हम कहाँ खड़े हुए हैं, वेयर वी हैव व्हाट वी हैव कंप्लीटेड। तो हमने देखा कि जनाब हम 6 महीने वाले प्रोजेक्ट में 3 महीने में खड़े हुए हैं, एंड इंस्टेड ऑफ कंप्लीटिंग 50% प्रोजेक्ट, हमने 40% किया है। तो दैट्स अ शेड्यूल डिफरेंस, दैट्स अ शेड्यूल डिफरेंस, 10% इज स्टिल हमारी वैल्यू में डेफिसिट है। कॉस्ट उस पर कितनी लगी है वो देखना होगा, कॉस्ट 40% वाली लगी है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कॉस्ट 50% वाली लग गई है तो फिर मसला है, और अगर 60% वाली लग गई है तो फिर तो बहुत ही बड़ा मसला है, ठीक है ना। कितनी कॉस्ट लगी है, तो कॉस्ट एंड शेड्यूल इज अ डिफरेंट थिंग। तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी इनकर्ड हो गई है ये हम देखा था हमने कल, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, सी वी इज इक्वल टू अर्न वैल्यू माइनस एक्चुअल जो कॉस्ट है, यानी जो, ठीक है, तो एक्चुअल कॉस्ट इतनी लग गई है और अर्न अभी इतनी है, ठीक है। इसके फॉर्मूले हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी एग्जाम में, पूछ लिया जाएगा तो आप, ठीक है। ये हमने
अब परफॉर्मेंस इंडेक्स का मतलब है रेशियो लेते हैं, ठीक है ना। आप क्या करते हैं, आप बजाय डिफरेंस लेने के यहाँ पर वही चीज है, आप डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो डिवीजन में अगर नीचे की चीज बड़ी है तो जाहिर सी बात है लेस देन वन आएगा, इसका मतलब है इट्स अ कंसर्न। लेकिन अगर जीरो वन आ रहा है, सॉरी जीरो तो नहीं आएगा, डिफरेंस में जीरो आएगा, इसमें वन आएगा, यानी ऊपर भी वैल्यू है नीचे, तो यू आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। ये किसी भी चीज की प्रोग्रेस देखने के लिए, मैं इसलिए पूछ रहा था कि अगर आपने वेरियंस या मीन पढ़ा होगा तो इसमें शायद ये पढ़ा होगा कि जनाब किसी भी चीज की परफॉर्मेंस देखने के लिए या तो रेशियो ले लेंगे, ठीक है ना। तो रेशियो जिसे आप परसेंटेज कहते हैं, परसेंटेज में आप 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन आप देख रहे होते हैं कि टोटल मार्क्स और आपके कितने आए। जाहिर सी बात है 80 90 का मतलब ये है कि आप 100 से मल्टीप्लाई करके आप 100% नहीं ले रहे, जिनके 100 होंगे वो 1 आ जाएगा ऊपर और नीचे, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ठीक है। तो एक्चुअल कॉस्ट वर्सेस वही जो डिफरेंस ले रहे थे यहाँ डिवाइड करेंगे, वहाँ ईवी माइनस एसी था या ईवी डिवाइडेड बाय एसी है, बात समझ में आ रही है। रेशियो ले रहे हैं, डिफरेंस वहाँ वेरियंस था, डिफरेंस ले रहे थे या वही चीज है। तो कॉस्ट पीआई जो है वो ईवी डिवाइडेड बाय एसी है, और एस यानी शेड्यूल का जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो ईवी डिवाइडेड बाय पीवी है, वहाँ पर ईवी माइनस पीवी था, बस ये फर्क है, ठीक है। तो अगर ये जितना नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी उतना ही आपको, तो ये भी बता रहा होता है आपको, ठीक है। तो मेजर करने के तरीके हैं कि आप अपनी परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपने बस जो देखने वाली बात यह है कि कितना डिफरेंस है, अगर वो नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा है, यानी अगर 0.9 है तो ठीक है, 0.8 है तो ज़्यादा सोचने की बात है, 7, 6, 5 तो ये बहुत ही कंसर्न है, ठीक है, क्लियर है। मतलब मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, देर आर जस्ट नंबर्स। कॉन्सेप्ट हमने बात कर ली थी कि प्लान वैल्यू क्या चीज़ होती है, प्लान जो हमारे पास एक्चुअल प्लान था, जिस तरह कल हमारे पास प्लान था कि हमने रोज़ाना एक फेंस लगानी है, तो रोज़ाना हमने तो कहा था जी महीने भर में ये काम कर लेना है, रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लेनी है, तो रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, चार लोगों से मीटिंग हो गई नहीं हो गई, एचआर और सेल्स की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई नहीं हो गई, तो दैट वाज अ प्लान। अगर वो नहीं हुई जनाब, एक की हो गई एक की नहीं हुई है, तो दैट इज़ एन अर्न वैल्यू, एक की नहीं हुई है तो नहीं हुई है कि कॉस्ट कितनी हुई है, शेड्यूल कितना लॉस हो गया, ठीक है। तो ये आपका, ठीक है, तो इसी तरह से आप देख लीजिएगा, क्लियर है ये बात। परफॉर्मेंस में इंडेक्स में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, उसमें डिफरेंस ले रहे थे, ठीक है। ये वही चीज़ है, अर्न वैल्यू माइनस ए सी था कॉस्ट वेरियंस, और यहाँ पर अर्न वैल्यू डिवाइडेड बाई एक्चुअल कॉस्ट है, क्लियर है। मतलब कोई कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है सिवाय इसके के, यही है, क्लियर है ना। क्लियर है भाई? यस सर, क्लियर। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। तो ठीक है, बस ये फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए, एग्जाम में जब आ जाएंगे तो देख लीजिएगा। इसको मैं क्लोज कर दूं और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट शुरू कर दूं। ठीक है, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, अभी तक हमने ये पढ़ लिया है कि स्कोप कैसे लॉक किया जाता है या विजिबिलिटी नहीं होती है। तो अच्छा, स्कोप में मैंने शायद आपको बताया कि स्कोप, जितना आपको बिजनेस की नॉलेज अच्छी होगी उतना स्कोप लॉक करना आसान होगा, जितनी नॉलेज कम होगी उतना स्कोप को लॉक करना मुश्किल होगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, अंडरस्टैंडिंग की डिफिकल्टी होगी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा टाइम कैसे एस्टीमेट करते हैं, थोड़ा सा हमने पढ़ा कि माइलस्टोन क्या होता है, एक्टिविटी क्या होती है, इसमें लिस्ट ऑफ टास्क कैसे बनाएंगे और फिर उसकी एस्टीमेशन करेंगे, ठीक है। उसमें हमने देखा कि एस्टीमेशन के अंदर प्रोबेबिलिटी या एरर बहुत है, क्योंकि ये मेंटल कैपेबिलिटी है, और फिर अगर आप टीम अननोन है तो और भी ज़्यादा मुश्किल है, फिर हमने उसकी कॉस्ट निकाली। तो ये हमने पढ़ा था, इन प्रीवियस लेक्चर हम ये पढ़ चुके हैं, ज़रा देखिए। स्कोप लॉक करेंगे, एग्री करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, उसमें लिस्ट ऑफ टास्क निकाल लेंगे, फिर उन लिस्ट ऑफ टास्क की टाइम एस्टिमेशन करेंगे, और फिर कॉस्ट एस्टिमेशन हम पढ़ेंगे, फिर अभी हमने पढ़ा कि जनाब इनका वेरियंस कैसे देखेंगे। अब जो सॉफ्टवेयर के जो प्रोजेक्ट हैं, इट इज ह्यूमन इंटेंसिव एंड इट इज कम्युनिकेशन इंटेंसिव, ये बात सही है सर की या गलत है?
बात सही है भाई, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो है ह्यूमन इंटेंसिव है, और जब ह्यूमन इंटेंसिव है तो कम्युनिकेशन इंटेंसिव होंगे। यस सर। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन एंड पीपल हैंडलिंग अगर आपकी वीक है तो आप काम नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो यू नीड टू इंगेज एंड कोलेबरेट विद योर, 5 लोग हैं तो वो, 50 लोग हैं तो वो, 150 लोगों के साथ यू नीड टू इंगेज एंड कोलेबरेट। अभी समझेंगे इंगेज का क्या मतलब है, कोलेबरेट का क्या मतलब है। अगर आपके पास 50 लोगों की टीम है वो डिसइंगेज है और नॉन कोलेबरेटिव मूड में है, फिर तो काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो वील अंडरस्टैंड व्हाट इज इंगेजमेंट, व्हाट इज कोलेबरेशन, व्हाट इज डिसइंगेजमेंट, व्हाट इज नॉन कोलेबरेशन। ठीक है, तो टीम जितनी बड़ी होगी वो जान कब मारेगी और कब नहीं मारेगी, कब आपको आउटपुट दे पाएगी, तो ये थोड़ा सा आपको देखना होगा। ठीक है, तो नाउ वी लर्न हाउ टू प्ले। अब थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, लेकिन मैं इसको एम्फसाइज ये करता हूँ कि देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोफेशनल पीएमपी प्रोजेक्ट मैनेजर्स हु आर नॉट वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि उन्होंने टूल्स टेक्निक्स पढ़ी होती हैं और सीवी पे लिखा होता है पीएमपी है, लेकिन उनको पीपल हैंडलिंग की टेक्निक्स नहीं आती है, इसलिए वो थोड़े से, या उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि लोग उनके साथ काम नहीं करना चाहते हैं। तो वट आर दोज। ठीक है, अब थोड़ा सा ये रखिए, अपने ऊपर रखिए कि मैं 50 लोगों की टीम का पार्ट हूँ और मेरे यहाँ एक मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो क्या बिहेव करेगा कि मुझे ज़बरदस्त मोटिवेशन के साथ मैं पूरा 100% दूंगा, या फिर क्या उसका बिहेवियर होगा, मैं बस नौकरी करूँगा, महीना पूरा करूँगा, तनख्वाह लूँगा और जॉब ढूंढ रहा हूँगा, जहाँ मिलेगी दौड़ के चला जाऊँगा। अब ये जरा सोच रहे हैं, तो इस पे हम थोड़ा सा सीखेंगे। ठीक है ना, तो अप्लाई इट ऑन योरसेल्फ। ठीक है, तो नाउ यू नीड टू इंगेज पीपल, जो आपकी टीम हो वो आपके साथ कोलैबोरेट कर रही हो, मेहनत कर रही हो और प्रोजेक्ट की सक्सेस की तरफ जा रही हो। ठीक है ना, तो देर आर पीपल, पीपल कौन है, वो स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर कौन है, जो सारे लोग इन्वॉल्व हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन है प्रोजेक्ट में, चाहे वो स्पॉन्सर हो, चाहे वो डेवलपमेंट टीम हो, चाहे वो यूजर हो। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है, स्टेक होल्डर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जरा आगे चलते हैं। ठीक है, दिस लेक्चर इज अबाउट हैंडलिंग पीपल। अच्छा, ये पूरे लेक्चर है, जब मिडटर्म से पहले, सॉरी फाइनल से पहले मेरा एक टीम मैनेजमेंट पे पूरा वो है, हम पढ़ेंगे, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द कोर्स, लेकिन बहरहाल जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के उसमें जाए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर नीड टू इम्प्रूव योर स्किल्स एंड हैंडलिंग टीम्स। ठीक है, तो अगर ये ना हो तो क्या होगा, मतलब यू नो यू रियली डोंट नो हाउ टू हैंडल पीपल और ये नॉलेज अरे आपका वीक है, तो क्या होगा आपके ख्याल में, थोड़ा सा बताएंगे, कुछ एंटिसिपेशन है क्या होगा, कुछ any question in your mind, any apprehension, yash aapko lagega agar ye nahi hoga to kya hoga, chaliye koi batana nahi, zara zehen mein rakhiye, baral ye zehen mein aana chahiye ki agar ye nahi hoga to kya hoga, isko hum zara answer karne ki koshish karte hain. Theek hai, depending on the size of the project, ek chhota sa department hai jahan 10 log hain aur 10 log aapke hain, to uska matlab 20 log involve hain is project ke upar. फॉर एग्जाम्पल एच आर का सिस्टम बनाना है किसी बैंक का, तो वहाँ 20 लोग हैं और 10 लोग आपके बनाने वाले हैं, यानी 2 लोग हैं जो बी ए और प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो वेरी स्मॉल टीम, बट यू नीड टू डील विद दोज पीपल जो आपके पार्ट होंगे। ठीक है, लेकिन आप एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ऑटोमेट कर रहे हैं जहाँ 15 डिपार्टमेंट हैं और 1500 लोग हैं, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको ब्लॉक करना चाहेंगे, कुछ लोग होंगे, तो अब जरा ये समझने की जरूरत है, व्हाट इफ यू नो द बिहेवियर ऑफ द पीपल, यू नो देयर पर्सनालिटी, यू नो, ठीक है, प्रिडिक्ट कर पाएंगे, तो उनको हैंडल करना आसान होगा या मुश्किल होगा, इफ यू कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ दिस पीपल तो क्या होगा सर, आसान होगा। अब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बैंक में गया हूँ और ऊपर के लोगों से मिला हूँ, लेकिन अब मैं नीचे के लोगों से मिलना है, जिनसे कुछ लोगों से मेरी मुलाकात रही थी, फॉर एग्जांपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, लेकिन अब मैं टीम से मिल रहा हूँ और मेरी टीम मिल रही है, तो दे आर वेरी न्यू फेसेस, आई रियली डोंट नो अबाउट देयर बिहेवियर,
तो मुझे अपने स्किल सेट को बहुत इम्प्रूव करना होता है कि जो चीज़ आप 3 महीने में सीखेंगे मुझे 30 मिनट्स के अंदर इसकी पर्सनैलिटी को प्रिडिक्ट करना होता है और असिस करना होता है और 90% सही करना होता है, गलती का इम्कान नहीं होता है। तो यू अंडरस्टैंड दैट स्किल सेट के मुझे बहुत सारी चीज़ें इसकी देखनी होंगी जो आप नहीं नोट करेंगे, मैं मुझे कर लेना है एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर या एज ए बी ए भी करना होता है। तो आई नीड टू अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी। तो कुछ टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं जिनसे हम यहाँ आज सेशन में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जिन लोगों को अपने करियर में बीए बनने का शौक है या प्रोजेक्ट मैनेजर बनने का शौक है वो कुछ चीज़ें सुन लें, नोट कर लें और फिर इस पर बाकायदा सेशंस अटेंड करें। पर्सनैलिटी प्रिडिक्ट करने के लिए उसके कपड़ों का रंग आपको बताएगा, उसके हाथ मिलाना और उसका पोस्चर आपको कुछ बताएगा। आई एम नॉट टेलिंग आप कैसे करेंगे, अभी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसके मुंह से जो अल्फाज निकलेंगे पॉजिटिव नेगेटिव वो आपको असेस करेंगे, और अगर खाना खा रहे हैं या चाय पी रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको उसका बिहेवियर आपको बताएगा, ठीक है। फिर जब आप 15 मिनट बात कर लें तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू इम्प्रूव योर स्किल्स, ठीक है। अब आपका बिहेवियर जो है ना वो आपको अगर पता चल गया आप 20 मिनट में 25 मिनट में, इट्स रिलेटिवली ईजी, ठीक है। ठीक है भाई, अभी ज़रा रिसर्च कर लीजिएगा कि डार्क कलर के कपड़े कौन पहनते हैं और फलाने रंग के कपड़े कौन पहनते हैं और इस तरह के कपड़े कौन पहनते हैं और प्रोफेशनल किस तरह के पहनते हैं, ये थोड़ा आपको रिसर्च करना होगा। हाथ मिलाने से आप बता सकते हैं कि लोग जो हाथ मिलाते हैं और वो ढीले हाथ से मिलाते हैं तो व्हाट इज़ देयर पर्सनैलिटी, लोग सख्ती से हाथ मिलाते हैं, लीडरशिप होती है तो वो कैसे हाथ मिलाते हैं, ठीक है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। अब ये हेल्प करेगा आपको। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जैसे अंडरस्टैंड कि आपके कुछ दोस्त हैं जो बचपन के दोस्त हैं और कुछ दोस्त हैं सिर्फ यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, तो जिनको बचपन से जानते हैं ना उनको हैंडल करना या उनको समझाना प्रॉब्ली बिकॉज यू नो देयर पर्सनैलिटी आसान होता है, लेकिन जिसको आप रिलेटिवली न्यू रिलेशनशिप है उसको ज़रा समझ पता ही नहीं अच्छा लगेगा उसको बुरा लगेगा, तो रिलेशनशिप बिल्ड करना आसान नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस्ती रिश्तेदारी, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल रिलेशनशिप, यानी आप उसको हैंडल कर पाएं, प्रोजेक्ट को हैंडल कर पाएं। तो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर मुझे अच्छी वाली रिसोर्स चाहिए। अच्छी वाली रिसोर्स कौन सी है, जो केपेबल हो और कुछ बताए और मेरे साथ कोलैबोरेट करे, वो नहीं जिसको ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नहीं आता वो इस प्रोजेक्ट पर लगा दे, यार तुम कोई काम नहीं करते मेरे साथ तुम ऐसा करो, ये असद साहब के साथ रिक्वायरमेंट देना, और डिपार्टमेंट तो कुछ नहीं कर रहा वो मेरे साथ प्रोजेक्ट करेगा, तो आई डोंट नीड दैट रिसोर्स। तो मुझे मालूम होना चाहिए रिसोर्स मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे टॉप मैनेजमेंट से दोस्ती होनी चाहिए कि भाई ये मुझे ये वाली रिसोर्स चाहिए, यार ये तो मेरे काम का बंदा है फिर ये काम कौन करेगा, तो बस मुझे यही चाहिए, ठीक है। फिर बेटर रिसोर्स होगी तो फिर रिक्वायरमेंट भी बेहतर होगी, गवर्नेंस अच्छी होगी, ठीक है। अच्छा, ट्राई अंडरस्टैंड के आप एक डिपार्टमेंट जाते हैं तो जो सामने वाली पर्सनैलिटी है वो प्लीजिंग होती है, चाय भी पिलाती है, अच्छी बातें भी करती है, रिक्वायरमेंट भी देती है, तो काम आसान हो जाएगा। लेकिन एक साहब हैं जिनकी थ्योरियों पे बल रहते हैं, नॉर्मली जो फाइनेंस के लोग होते हैं ना वो बहुत ही इंट्रोवर्ड होते हैं और बहुत ही नॉन प्लीजिंग पर्सनैलिटी होते हैं, मेरा अभी जो एक्सपीरियंस है फाइनेंस के लोग, नॉट एच आर के लोग और जो सेल्स के लोग होते हैं वो नॉर्मली आउटवर्ड होते हैं, प्लीजिंग पर्सनैलिटी होते हैं। तो वॉट इफ मैं फाइनेंस के मैनेजर के पास गया हूँ और वो बहुत ही रूड किस्म से बात करते हैं और फिर उनका बिहेवियर भी बहुत ही इंसल्टिंग है, तो प्रॉब्ली मेरी टीम उनके साथ काम नहीं करना पड़ जाएगी, जान छुड़ाएगी बस, ठीक है ना। तो सर मैं नहीं जाऊंगा उनके पास, मतलब बकायदा बीए कहते हैं सर मैं नहीं जाऊंगा उनके पास, बदतमीज आदमी है वो, उल्टी सीधी जुमले कह देते हैं, तुम लोग को आता क्या है, तो वो इंसल्ट करते हैं सर मैं नहीं जाऊंगा, तो वहाँ काम मुश्किल हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि ऐसे लोग होंगे दुनिया में, ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर पर्सनैलिटी एंड देयर बिहेवियर। अब ऐसा आदमी अगर फाइनेंस का मैनेजर है और ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है और वो पैसे भी देता है तो उससे भी रिलेशनशिप अच्छी रखनी है और काम भी लेना है, ठीक है ना। तो अब ये सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है, यू हैव नो चॉइस, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। अब ये टिपिकल सिनेरियो मैनेजिंग द प्रोजेक्ट में होता है कि
you are experienced project manager and you know what is required and who is needed. मुझे सब पता है, मुझे 10 साल का experience है, मुझे भी 25 साल का experience है, but I am relatively careful that I need to understand people, their personality. मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे सब पता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जी ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, कहते हैं मुझे सब पता है और मैं किन लोगों से मालूम करना, मुझे ये भी मालूम है, ठीक है ना. तो फिर वो अच्छा व्हाट इफ मैं प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ और फिर पता चला कि जी इससे तो मैंने पूछा ही नहीं था, और वो बहुत लेट पता चला जब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हो गई, सारा कुछ हो गया, तो पता चला ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, इनसे तो पूछा ही नहीं. अब ये बहुत बड़ा रिस्क होता है कि आपको जो नॉन स्टैंडर्ड चीजें हैं उसमें उसकी स्टेक होल्डर को आपने इन्वॉल्व नहीं किया, जिससे आपको पूछ लेना चाहिए था, क्योंकि वो सारा दिन बिजी होता है और वो फ्लोर पे होता है, आपको नजर ही नहीं आता, इसलिए आपने उसको इन्वॉल्व नहीं किया. तो देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी दैट यू मिस इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन द रिक्वायरमेंट. अब ये आपने अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा कि अगर आपने रिक्वायरमेंट में कोई चीज मिस कर दी तो वो ना डिजाइन में जाएगी ना डेवलपमेंट में जाएगी, और ये जो सॉफ्टवेयर बन के निकलेगा वो सेटिस्फाई नहीं करेगा कस्टमर को. तो मिस्टेक कहाँ हुई, मिस्टेक ये हो गई कि मुझे पता ही नहीं था कि ये आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा कस्टमर नॉर्मली नहीं बताएगा ये, अब आपको एज एन एक्सपीरियंस पता होना चाहिए कि मैं कहीं चीज मिस तो नहीं कर रहा. इसमें एक दिन लगा लीजिए, दो दिन लगा लीजिए, लेकिन ये जो दो महीने गुजरेंगे ना, और आपने अगर ये एक दिन इन्वेस्ट नहीं किया तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी. ठीक है, एक ऑपरेशन हेड है लेकिन उनका जो असिस्टेंट है ना वो सारा दिन फैक्ट्री में बैठता है, और वो यहाँ कभी कभी आता है और आता है 5 बजे के बाद. तो उससे मिलना सर बहुत ज़रूरी है, उसको बहुत सारी चीज़ें पता हैं, ठीक है ना. तो हम ऐसा करते हैं, फैक्ट्री चलते हैं एंड फ्राइडे की नमाज, मतलब जो भी है उसका सूटेबल टाइम है, सर फ्राइडे के बाद वो बैठता है और वो कोई काम नहीं करता है, तो फ्राइडे की नमाज के बाद चलते हैं, जो भी है, ठीक है. तभी सारी इन्फॉर्मेशन कब मिलेगी, जब आप लोगों से मिलेंगे और आपको मालूम है लोगों को आइडेंटिफाई करना, लोगों से मिलना, लोगों की, ठीक है. तो आई एम एम्फसाइजिंग, अभी मैं सिखा नहीं रहा हूँ, मैं एम्फसाइज करूँ कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज एरिया, ठीक है. तो ताकि आपको समझ में आ जाए कि अंडरस्टैंडिंग पीपल, देयर बिहेवियर, देयर पर्सनैलिटी एंड हु इज इंपॉर्टेंट, हु इज नॉट. बस समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है, आई एम ट्राइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस, ठीक है. अब एक थोड़ी सी एग्जाम्पल को समझते हैं. एक ये टिपिकल एग्जाम्पल है, मैं एक सॉफ्ट वहाँ गया, एक सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कराची का बहुत बड़ा, पाकिस्तान का बहुत बड़ा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ऑफिस है. तो उनके पास एक सिस्टम चल रहा था लेकिन वो उससे सेटिस्फाई नहीं थे. उन्होंने कहा सर साहब आपको सिस्टम बनाने के लिए सेलेक्ट किया हमने. तो हमारा कराची, लाहौर, 7 सिटीज़, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, उनमें चलता है और हमारी 70 ब्रांचेज हैं, और ये इनका सॉफ्टवेयर बनवाना है आपसे. चलिए जी, अब हमारी टीम जो है वो सॉफ्टवेयर हाउस कराची में ही है, तो हम तो लाहौर इस्लामाबाद में, मुल्तान में नहीं है. और हमारी टीम कह रही है कि सर इन लोगों से मिल लेते हैं और रिक्वायरमेंट ले लेते हैं, सॉल्यूशन लॉक कर लेते हैं, और उनके जो चेयरमैन हैं सीईओ, उन्होंने कहा भाई प्रोसेस सबका सेम है, आप यहाँ देख लीजिए, लॉक कर लीजिए. और हमने देख लिया और लॉक कर लिया. इसमें कोई खराबी नजर आ रही है आपको? चेयरमैन कह रहे हैं कि प्रोसेस सबका सेम है, आप देख लें, डॉक्यूमेंट कर लें और सॉफ्टवेयर बना दें. डू यू सी एनी इशू हियर, एनीबडी? कोई एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर सर को बताएगा कि क्या कोई मसला है, या बस हो गई रिक्वायरमेंट ले ली और सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करें? सोच रहे हैं शायद जी, कोई सर को जवाब देगा सर कि भाई एक मैं कराची का सॉफ्टवेयर हाउस हूं और मुझे एक पाकिस्तान की सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ी कंपनी है, उसने बुलाया कि जनाब सॉफ्टवेयर बनाना है, और ये प्रोसेस है हमारा सेल्स का, ये प्रोसेस है डिस्ट्रीब्यूशन का, ये हमारा सारी चीज़ें हैं, तो आप देख लीजिए, बनाना शुरू कर दीजिए. तो हैव आई मिस्ड एनीथिंग, कोई बताएगा सर को? सोच रहे हैं या सर, आई थिंक स्कोप तो वैसे भी लॉक नहीं हुआ. बताएगा ना, बताएगा तो मैं सुनता जाऊंगा, लिखता जाऊंगा, नोट कर लूंगा. वो बताएगा ये प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है, जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं लॉक कर लूंगा, उनको दिखा दूंगा. अच्छा, इसमें खराबी नजर आ रही है आपको? कस्टमर से मिलूंगा कराची में और बता दूंगा उनको, उन्हीं को दिखा दूंगा.
देखिए इसमें सर सर लिख हाँ बोलिए 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 बस। सर जो टॉप मैनेजमेंट है उनको तो नहीं पता होगा ना क्या नहीं पता होगा अबाउट दी ओ भाई कंपनी का ओनर है उसको क्यों नहीं पता होगा, सब पता ओके होगा। सर देखिए खराबियां ये है, जो सीईओ या चेयरमैन होते हैं वो कभी बैठ के दुकानों पे उन्होंने चीजें बेची नहीं होती हैं, ठीक है ना, तो उनको प्रोसेस मैनुअल पता नहीं होता है, वो एज्यूम कर रहे होते हैं कि सिस्टम है क्या। अब मैं क्योंकि बना चुका हूँ इन लोगों के साथ बैठ के गर्मी में दुकानों पे, तो मुझे मालूम है। मैं कहता हूँ ये तुम कैसे कर रहे हो, तुम्हारा बॉस तो कहता है ये प्रोसेस सर छोड़ देना उनको, वो तो एसी रूम में बैठते हैं गाड़ियों में, उनको क्या पता, हम बेच रहे हैं ना। तो नीचे की टीम बिल्कुल डिफरेंट होती है। फिर उसके बाद कराची लाहौर इस्लामाबाद में मुल्तान वाले कहते हैं हम तो ऐसे बेचते हैं सर, उनकी तरह बेचने लगे जैसे उन्होंने कहा तो बिक गया यहाँ सिस्टम, चलेगा ही नहीं। तो डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट माइंडसेट। डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, तीन प्रोसेस हैं, कराची का अलग है, लाहौर का अलग है, फलानी सिंध के इंटीरियर सिंध के अलग है। अब सिस्टम कैसे बनेगा? तो अगर आपने टॉप मैनेजमेंट की सुन के और प्रोसेस बना दिया तो वो सॉफ्टवेयर कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा इंटीरियर सिंध को और पंजाब के लोगों को। इसका मतलब ये है कि यू मिस्ड अ स्टेक होल्डर, यानी इंटीरियर सिंध में भी जाना पड़ेगा, 2 दिन आपको रुकना पड़ेगा, वहाँ होटल नहीं होते हैं, किसी के घर में रुकना पड़ेगा बगैर एसी के। इसी तरह से आपको लाहौर में घर जगह मिल जाएगी। तो बहरहाल ये कि यू नीड टू मीट स्टेक होल्डर्स, और जब तीन प्रोसेस आपके पास आएंगे फिर टॉप मैनेजमेंट के साथ बैठना होगा कि सर रिक्वायरमेंट तो तीन है, इनमें से स्टैंडर्डाइज कौन सा है। नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स आ रही है, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ना अच्छी रिक्वायरमेंट कैसे होती है, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग हो, सारे लोग एक जैसी बात कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर बन जाएगा। या तो रिक्वायरमेंट ही तीन किस्म की है, यहाँ की अलग है, यहाँ की अलग है। अब ये यूनिफाइड प्रोसेस करने में 40 दिन लग गए, सबको बुलाया, मीटिंग हुई, लड़ाई झगड़े, भाई हमारा कोई पार्ट नहीं है। लेकिन जो हमारा प्रोजेक्ट प्लान था 6 महीने का, उसमें हमने 30 डेज रखे थे, वो 30 डेज क्या 45 डेज हो गए, डिसीजन ही नहीं हो पा रहा, ऑर्गेनाइजेशन हिल गई पूरी के, सर ये तुम लोग चलाते कैसे हो, तुम लोग ऐसे क्यों करते हो, अब बात समझ में आ रही है। तो यू मिस्ड अब इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर। ऑटोमेशन एक अलग चीज है और मैनुअल प्रोसेस एक अलग चीज है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट को हैंडल करना और लोगों को हैंडल करना, लोगों की ईगोस को हैंडल करना, ठीक है। तो लाहौर वाला कह रहा है अगर ये सिस्टम आया तो हम चलने ही नहीं देंगे, अब ये एक अलग मसला है, ठीक है ना, अब समझ रहे हैं आप। तो यू नीड टू हैंडल पीपल, देयर ईगोज एंड इमोशंस। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए सॉफ्टवेयर बनाने से पहले, तो सॉफ्टवेयर बनाना वो डेटाबेस और ये सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन बहरहाल हैंडलिंग पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए 10 मिनट रहेंगे, इसके बाद हम दोबारा से लॉग इन कर लेंगे। तो थोड़ा सा फीलर आ रहा है कि लोगों की पर्सनैलिटीज को, ईगोज को हैंडल करना इट्स रिलेटिवली टफ। सॉफ्टवेयर बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन लोगों से रिक्वायरमेंट लेना और उनकी एक्सपेक्टेशन को मीट करना, उनको सेटिस्फाई करना इज रिलेटिवली डिफिकल्ट। भी क्यों जरूरी है? यू नीड टू विन द सपोर्ट ऑफ सर्टेन पीपल, जो आपको रिसोर्स देंगे और आपको चीज़ें देंगे, जो टॉप के लोग हैं ना उनसे रिलेशनशिप, उनसे ट्रस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट्स इसमें तो मैं बताऊंगा कि क्या बातें होती हैं। तो स्टेक होल्डर एनालिसिस इज ए टेक्निक, ठीक है ना। अब स्टेक होल्डर एनालिसिस क्या चीज़ है, कुछ टेक्निक तो मैंने बता दी आपको, एनालाइज करेंगे कैसे, लेकिन कुछ चीज़ें आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर 2 घंटे में, कि एनालिसिस करते कैसे हैं और लोगों के बारे में कैसे आप लिखेंगे। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कॉन्फिडेंशियल है, ये कस्टमर से शेयर नहीं होगी, ये इंटरनल टीम से तो शेयर होगी सॉफ्टवेयर हाउस की, आईटी डिपार्टमेंट की। खैर आईटी डिपार्टमेंट तो बनाता नहीं है, क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन सॉफ्टवेयर हाउस में ये कस्टमर से शेयर नहीं होगी, ठीक है ना, फिर तो मसला ही हो जाएगा। तो यू नीड टू एनालाइज द पर्सनैलिटी ऑफ द पीपल, द की पीपल जिनको आपने जीतना है या जिनको आपने सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना। ये आपको हेल्प करेंगे जहाँ मसला अटकेगा, रिक्वायरमेंट नहीं आ रही, कोई आदमी तंग कर रहा है, कोई चीज़ आगे नहीं जा रही, तो ये लोग आपको हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, समझ में आ रही है, चलिए आगे चलते हैं। यू कैन यूज द ओपिनियन ऑफ द पावरफुल स्टेक होल्डर टू शेप योर प्रोजेक्ट
एट एन अर्ली स्टेज। अभी कुछ चीजें हमने हाईलाइट की है, पावरफुल स्टेक होल्डर, शेप एन अर्ली स्टेज। प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर्स और डिपार्टमेंट के हेड और ऐसे लोग जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, वो आपके साथ होने चाहिए प्रोजेक्ट पे, और उनको आपको उनको आप पर भरोसा आना चाहिए। अगर ये नहीं है तो प्रोजेक्ट की डायरेक्शन जो है वो या शेप जो है वो गलत जगह चला जाएगा, और अगर डायरेक्शन सही नहीं हुई अर्ली स्टेज पे तो ये प्रोजेक्ट का तबाही पहले दिन से होगी। प्रोजेक्ट दरमियान में नहीं फेल होगा, आखिर में नहीं फेल होगा, ये एक्चुअली पहले दिन से प्रोजेक्ट फेल हो गया, आपको नजर नहीं आया। तो यू नीड टू हैव डायरेक्शन, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट है, एक ऑर्गेनाइजेशन की ऑटोमेशन करनी है, और सेठ की कंपनी है, सेठ की जो मर्जी है वो कहेगा, फिर उसका जो बेटा है वो चेयरमैन साहब का बेटा है। अभी सारी चीजें हैं जो कि ह्यूमन ईगोज, इमोशंस, रिलेशनशिप, और पैसे भी निकालने हैं और काम भी करना है और वैल्यूबल काम देना है, मतलब ये नहीं कि खाली पैसे लेके चल गए। तो अर्ली स्टेज पे इसकी डायरेक्शन सही करना, तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि व्हाट इज रॉन्ग डायरेक्शन, व्हाट इज राइट डायरेक्शन, व्हाट यू नीड टू चेक, हाउ यू, तो बात समझ आ रही है, ताकि आपको राइट रिसोर्स मिले, राइट इन्फ्लुएंस मिल जाए और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए। लोगों से ही काम कराना है, और रिलेटिवली जो इंटरनल टीम है उसको आप जानते हैं, मसला एक्सटर्नल टीम का होता है जो कस्टमर साइड पे है और उनको पता नहीं है सॉफ्टवेयर बनाना कैसे है, टाइम कैसे देना है, और वो एहसान कर रहा होता है, वो आपको कोलैबोरेट नहीं करता है, वो कहता है भाई मैं तो आपको बता रहा हूँ, मेरा काम थोड़ी है, सॉफ्टवेयर बनाना तो आपका काम है, ठीक है। ये ऐसी जैसे आप दर्जी के पास जाएं और तुम्हारा काम है सूट सिलाना बनाना, मैं नाप क्यों दूँ, तुम बना दो, वो कहेगा भाई नाप नहीं देंगे तो कैसे बनाऊंगा। यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं बताऊंगा नहीं रिक्वायरमेंट, ये तो आपका काम है, आपको पता होना चाहिए। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, मतलब आना यू विल बी सरप्राइज्ड, ठीक है। आखिरी चीज लिखी है कि स्टेक होल्डर की पर्सनैलिटी अगर पता हो तो आप उनको रिएक्शन को एंटिसिपेट कर सकते हैं और उनके एक्शंस को बना सकते हैं। अब इस जुमले को पढ़िए, फिर मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। गिव मी अ मिनट, मैं पानी पी लूं। अच्छा, नोइंग पर्सनैलिटी, जहाँ प्लीजिंग पर्सनैलिटी है, मुस्कुरा के बात कर रहा है, चाय पिला रहा है, सारी वहाँ मसला नहीं है, वहाँ तो मसला नहीं है ना। मसला कहाँ है, जहाँ वो मतलब हु इज नॉट हैंडलिंग यू प्रॉपर्ली, नॉट गिविंग राइट रिक्वायरमेंट, अब उसको हैंडल करना है। जिसके पास बीए जाते हुए घबराता है कि सर मैं नहीं जा रहा, आप मेरे साथ चलिए, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, एक आदमी है जो प्रोजेक्ट को ब्लॉक करना चाहता है और आपके साथ बदतमीजी करता है और आपको रिक्वायरमेंट नहीं देता, ठीक है। तो ये ऐसे ही जैसे एक दोस्त है जो हर वक्त गुस्से में रहता है और लोगों को बुरा भला कहता है और अपनी अपनी तकदीर को कोसता रहता है, तो आप कैसे क्या करेंगे उसके साथ, मतलब यू नो हर वक्त शिकायत ही करता रहता है, तो हाउ वुड यू हैंडल दैट पर्सनैलिटी, कैसे करेंगे भाई। मुश्किल सवाल है या आसान सवाल है, सवाल तो आसान है, जवाब मुश्किल है, ठीक है। अब यहाँ चीज क्या ली, ये एंटीसिपेशन द एंटीसिपेट द रिएक्शन, ठीक है। तो आपको मालूम होगा कि हमेशा क्या करता है, कैसे करता है, नोइंग देयर पर्सनैलिटी, तो उनको हैंडल करना जरा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है मुझे ज्यादातर लोगों की पर्सनैलिटी के बारे में पता हो, मैंने कहीं नोट किया हुआ हो, ठीक है। तो अगर मैं किसी कमरे में एंटर हो रहा हूँ तो मुझे मालूम होना चाहिए आदमी बदतमीज है, ये मुझे 10 मिनट सुनाएगा तो मुझे क्या करना चाहिए। उस वक्त मुझे अपने कान और मुंह बंद रखने चाहिए, और जब ये अच्छा ऐसा बहुत होता है जब वो कह देता है और कोई रिएक्शन नहीं आता है ना, फिर वो भी हैरान होता है कि यार इनको कोई गुस्सा ही नहीं आ रहा, इनको कोई मसला ही नहीं हो रहा। तो फिर मैं कहता हूँ जो आपने कहा है मैंने सुन लिया है, और जो आप कह रहे हैं वो सच नहीं है, लेकिन अब मैं बात करता हूँ प्रोजेक्ट की, जो आपने मेरे बारे में मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहा वो ठीक है, सही नहीं है, आता जाता कुछ नहीं है, ठीक है ना, वो नॉर्मली पर्पजफुली ये कर रहा होगा, ठीक है।
आप उसको रिएक्शन ना दें, चुप रहे बिल्कुल, तो 10 मिनट बाद उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। गुस्सा क्या होगा, वो पर्पसली कर रहा होगा, ठीक है ना। ये सारे लोग बहुत उस्ताद होते हैं, ठीक है। तो यू नीड टू हैंडल सर्टेन पर्सनैलिटी, तो डोंट रिएक्ट, ठीक है। लेकिन आपको पता ही नहीं है तो आप गुस्सा हो जाएंगे, सर मैं तो गया, उसने तो मुझे बहुत बेइज्जती कर दी सर मेरी। बेइज्जती नहीं होती, ये सब प्लान होता है, ठीक है। बात समझ में आई यहाँ तक, क्लियर हो रही है बात, नहीं समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, जाग रहे हैं सारे लोग, समझ में आ रही है सर की बात, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, पर्सनैलिटीज को समझना, लोगों के बिहेवियर को समझना, ठीक है। यस सर, ठीक है। यस सर, दो चीजें हो गई, एक तो पर्सनैलिटी हो गई, दूसरी है कम्युनिकेशन। तो हाउ ऑफन डू यू कम्युनिकेट, हाउ डू यू अंडरस्टैंड। सर मैं बात कह रहा हूँ कि समझ ही नहीं आ रही, हाँ समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं उस तरह से समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, वन शुड मेक सेंस, ठीक है ना। तो बाज़ दगा ज़्यादातर 95% आप अच्छी तरह से बात करते हैं, प्यार से बात कर सकते हैं, 5% आप अच्छे लोगों से बात अच्छी तरह से नहीं करते हैं, जब तक आप उसको थप्पड़ ना लगाएं उसकी बात समझ में नहीं आती, कहते हैं लातों के भूत। तो यही है, एंड यू हैव नो चॉइस to do otherwise, लेकिन वो बहुत कम है। तो बट कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, ठीक है, तो लोगों को बताना है सारा कुछ है। तो anybody knows what is kick off meeting, किसी ने लव सुना है kick off meeting क्या चीज़ होती है, बार बार होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, लोगों को प्रोजेक्ट के वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। What is kick off meeting, किसी ने सुना हुआ ये लव्स? सर बेसिकली इनिशियल मीटिंग को कहते हैं ना, किक ऑफ के स्टार्ट करो। जी जी बिल्कुल, इनिशियल मीटिंग को कहते हैं। एक्चुअली जब फुटबॉल जब शुरू होती है तो किक ऑफ करते हैं ना आप, एक आदमी जी। तो जब आप किसी भी प्रोजेक्ट को मीटिंग, पहली मीटिंग को नॉर्मली किक ऑफ कहते हैं, लेकिन तीन तरह की किक ऑफ मीटिंग होती है, एक तो टॉप मैनेजमेंट के साथ, फिर स्टेक होल्डर के साथ, ठीक है, और फिर आप लोगों ने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी मेरे से, लेकिन देर आर 3 types ऑफ स्टेक होल्डर इन एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एक तो टॉप मैनेजमेंट होगी जो थोड़े से लोग होंगे और बहुत यानी इन्वॉल्व होंगे लेकिन टाइम बहुत कम देंगे, इसी तरह से डिपार्टमेंट के हेड जो डिपार्टमेंट की टीयर है, ठीक है, वो एक होगी। फिर आखिरी में होगी कीबोर्ड एंटर करने वाले, कीबोर्ड यूज करने वाले, तो दैट इज यूजर। तो तीन तरह के लोग होते हैं, तो तीनों से मीटिंग करनी और